और पहली गेंद करने के लिए तैयार है उमर। पहली गेंद फुल टॉस गेंद, एक आसान सी गेंद थी जिसको 6 रन के लिए खेले। और यहां पर मिस्टर 360 ने खुशामदीद इस्तकबालिया छक्का लगा डाला है लेग साइड लेग स्टंप पर, जो सीधा बॉल टकराया ब्रिज के ऊपर। एक और फुल टॉस विवर्ट गेंद और यकीनी तौर पे कोई भी बैट्समैन होता तो ये गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर जाती। इस मरतबा बहुत ही उम्दा स्ट्रोक के लिए, लेकिन गेंद को टाइम सही से नहीं कर सके और गेंद सीधी फाइन लेग पे मौजूद फील्डर के जाने। बहादुर अली की बड़ी विकेट हासिल की है यहाँ। बिल्कुल ये रिप्ले का मंजर, बड़ी आसानी से अकबर पॉली ने ये कैच लिया। इस मरतबा उठा के खेले मिड विकेट पोजिशन पे और गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। शॉट यहां पर लॉन्च किया है ओवर द मिड विकेट। और यहां पर इसी इसना में छक्का लॉन्च कर दिया है एक बार फिर मिस्टर 360 ने, गेंद फिजाओं से बातें करते हुए इस बार मोहम्मद उमर को। रिप्लाई आप ये देखें, गेंद फिजा में बरकरार और इस मरतबा शॉर्ट बॉल थी, इसको खेलने में कामयाब हुए एक और छक्का। क्या जबरदस्त कमाल कनेक्शन यहां पर मिस्टर 360 का, बैट और बॉल का बड़ा जबरदस्त तालमेल और गेंद को पल भर में बिल्कुल बाउंड्री के उस पार क्लियर कराया बॉल को। What a shot! Excellent power hitting out of the park. Sensational pace of batting. Mr. 360 Asad Shah on fire. Again. बरसात यहां पर, चक्कों की बरसात। शायकी ने क्रिकेट बॉल लूट रहे हैं, मोहम्मद उमर परेशान, सवालिया निशान बन चुके हैं मिस्टर 360। बल्कि अगर कहा जाए ना को चने चबा दिए हैं बॉलर को तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। शॉट और बहुत खूबसूरत शॉट, बहुत बड़ा शॉट और मैदान से बाहर फेंक दिया अरसलान अच्छी बट ने। असद शाह आगे आए और गेंद को पहुंचा दिया है मिड ऑन बाउंड्री से बाहर। असद शाह इज ऑन फायर। असद शाह ने अपनी निफ्ट सेंचुरी भी मुकम्मल की इस शॉट के साथ। इनक्रेडिबल शॉट आसिफ, इनक्रेडिबल शॉट। इतनी अच्छी फॉर्म है इनकी कि कदमों का इस्तेमाल किया, राउंड द विकेट थे, एंगल ने भी परेशान नहीं किया और खेल दिया मिड विकेट बाउंड्री की जाने पर। बहुत खूबसूरत कैमरा वर्क। असद शाह, वाह, असद शाह यू ब्यूटी। छक्के के साथ चौथा ओवर खत्म हुआ और फुल टॉस को बनाया, बाउंड्री के बाहर फेंकने में कामयाब हुए और 57 पे स्कोर पहुंच गया है। खराब बॉल और बॉल जो उनको फुटबॉल की तरह दिख रही है और फुल टॉस अब करेंगे। जोरदार शॉट और नतीजा वही 6 रन की सूरत में फ्लाई ओवर पे जाके बॉल लगा, बहुत जोरदार और बहुत लंबा छक्का। फिर फेंक दी बॉल मैदान से बाहर, एक और जबरदस्त छक्का, एक और बुलंदो बाला छे। अरसलान अच्छी बट एक घुटने पर बैठे और गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री से बहुत बाहर। व्हाट अ शॉट, बॉल चली गई है पेट्रोल पंप कुछ फ्यूल के लिए और यहाँ पे पूरी तरह से चार्ज है अरसलान। फुल टॉस बॉल थी और उसको बड़े उम्दा अंदाज में किया, पीछे से पहले पीछे गिरी हुई गेंद फिर फुल टॉस, तो खराब बॉलिंग और पनिशिंग स्टफ। ओ बोल्ड हो गए यहाँ पर असद शाह। तैयार थे सुपर बॉल पर चार्ज करने के लिए, अक्रॉस द लाइन खेल गया, दोनों टांगों के बीच में जो गैप था बॉल उसमें से निकली और स्टंप्स को जा लगी और बहुत अच्छा ओवर खत्म हुआ इम्तियाज का और इस पे आखिरी गेंद पर 2 रन बनाए, तो यूं 111 रन बनाए हैं। 112 रन का हदफ दिया है उमर एसोसिएट्स को, जो कि बहुत टफ है लेकिन कुछ भी पॉसिबल है क्रिकेट के इस खेल
पहली गेंद अहमद कुल्फी की। दानिश आप कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हो और कुल्फी गेंद कर रहे हो तो ठंड का तो माहौल वैसे ही। और बहुत ही उम्दा कैच किया है यहां पर बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब, अच्छा कैच किया और यूं जेबी बट का डिपार्चर हुआ। पहले ओवर में विकेट। फुल टॉस बनाते हुए अकबर पोली खेले इस मौके पर, उठता हुआ स्ट्रोक और गेंद 6 रन के लिए तमाशाइयों के झुरमट में। इस पर तबाह गैप में खेलने में कामयाब और गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब, मिस फील्डिंग हुई है तसव्वुर अब्बास से और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। ताहिर नज़ीर जिनको बॉल मिली पहली और इन्होंने भी 6 रन इस पर हासिल किए हैं, तो शाहजहां जो कि बॉलिंग कर रहे हैं आज लगता है कि इन्होंने शाहजहां के ऊपर इस लाठी चार्ज का फैसला कर लिया है। पहली गेंद पर ताहिरी ने जो कि आए थे ओपनर और पहली गेंद पर हमने देखा कि 6 रन जो हासिल किए हैं। तो शानदार छक्का इस बार भी हासिल करने में कामयाब रहे ताहिर नज़ीर जिन्होंने एक काफ़ी ज़ोरदार छक्का यहां पर लगाया था और लो फुल टॉस था कि इस पे 6 रन यहां पर हासिल करने में कामयाब रहे। और एक और उठता हुआ स्ट्रोक ताहिर नज़ीर की जानिब से, गेंद कुछ काफ़ी ऊंची हवा में, एक और फलक बहुत छक्का, तो छक्कों की बरसात ताहिर नज़ीर की जानिब से और ये छक्का भी स्टेडियम से बाहर जाकर गिरा है। अंपायर के बिल्कुल ऊपर से खेले थे ताहिर नज़ीरी के जिन्होंने हमने देखा कि ये 6 रन लगाने में कामयाब रहे। इस मरतबा आउट हो सकते हैं ताहिर नज़ीर, फील्डर गेंद के नीचे और कैच ड्रॉप कर दिया। शॉर्ट बॉल इसका पूरा इस्तेमाल किया, भरपूर स्ट्रोक और एक और बड़ा छक्का। तो अब तक जितने भी छक्के लगाए ताहिर नज़ीर ने सिर्फ बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं भेजे बल्कि बड़े छक्के लगाए, 3 छक्के लगाने में कामयाब रहे। इस बार भी आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी जिसको पिक किया और गेंद को पहुंचा दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए ताहिर नज़ीर। उम्दा शॉट, क्लास की टाइमिंग, खराब बॉल थी, ओवर पिच गेंद लेग स्टंप पे और एफर्टलेसली इसको पहुंचा दिया होर्डिंग से दूर। बहुत ऊंचा शॉट, बहुत तेज शॉट और बहुत दूर शॉट, नदीम ओवर की तरफ कैच जाता हुआ लेकिन उनसे बहुत ऊपर गेंद बाउंड्री के पार पहुंची और इस मतलब आउट हो जाएंगे, कॉट बिहाइंड ताहिर ताहिरी। और स्विंग करने गए थे वाइल्ड स्विंग, तो अच्छे एक्सपीरियंस का मुजाहरा, बॉल मूव भी हुई थी पढ़ने के बाद और हेल्दी डिफ्लेक्शन, आसान कैच। रहमान की बॉल को खेल दिया मिड ऑफ बाउंड्री से ऊपर और बहुत खूबसूरत कैच, बहुत खूबसूरत, बहुत टाइमली कैच और इसने इस कैच ने कोरंगी किंग्स की, किंग्स इलेवन की कामयाबी के इम्कानात को मजीद रोशन कर दिया। डॉट बॉल भी और विकेट भी, आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी, बल्ले पे सही आई नहीं और टो एंड ऑफ द बैट से कनेक्शन हुआ और हम देखते रहे कि बॉल कहां फिनिश करेगी, इन द एंड हाथों में गई फील्डर के। शॉट, एक कदम पर बैठकर शॉट खेला और नाकाम कोशिश, अहमद कुल्फी ने गेंद को दबोच लिया। बहुत ही आला कैच, रनिंग कैच अहमद कुल्फी और अपने पाए जाने पर उन्होंने ग्राउंड को कवर किया और कैच मुकम्मल किया। वाइड और साथ ही ऑफ स्टंप गेंद थी लेकिन उसको चेस करने गए, छोड़ते तो शायद वाइड होती लेकिन प्रेशर इतना है हर बॉल पर रन करने का, टाइम नहीं हुआ था, डेफिनेटली 6 रन तो नहीं होते लेकिन वेल जज कैच। ताहा का अच्छा शॉट, ऊंचा शॉट, 6 रन हासिल कर लेंगे ताहा, बहुत खूबसूरत शॉट।
बहुत ही आला शॉट, कार पार्किंग में जाके गिरी गेंद और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से कवर किया। इससे पहले बीट हुए थे लेकिन इनको आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद को ट्रैक किया। धन्य तमाशाई भी एंजॉय करते हुए, जी हाँ फ्रंट लेग को क्लियर करते हुए, थोड़ी सी वाइड बॉल थी, इसको आर्म्स को फ्री करने का अच्छा मौका मिला। स्ट्रेट खेले, बहुत खूबसूरत खेले और बॉल फिनिश करेगी बाउंड्री के बाहर, बहुत बड़ा छक्का, आउटसाइड ऑफ स्टंप और इनका फेवरेट शॉट लग रहा है। हाइट भी ली और डिस्टेंस भी हासिल किया, खूबसूरत शॉट। शॉट रमीज अजीज का बाउंड्री से बाहर, 6 रन। बड़ी देर की मेहरबान आते आते अब इन शॉट्स का कोई फायदा तो नहीं है उनकी टीम को, लेकिन बहरहाल क्रिकेट है, खूबसूरती जहां भी नजर आएगी हम उसकी तारीफ करेंगे। लास्ट बॉल विद 3 स्लिप्स, 3 स्लिप्स आपने देखी, ये मुकाबला खत्म हुआ फाइनल जिसमें उमर एसोसिएट्स को शिकस्त हुई और किंग्स 11 ने ये मुकाबला जीत लिया। 26 रन से ये मुकाबला जीतने में कामयाब हुई किंग्स 11। तो ये बड़ा मौका था, बड़ा मुकाबला था, तारीखी लम्हा इस नाजाबाद की ईदगाह ग्राउंड में, क्राउड का जम्मे गफीर घेर लिया है फाते टीम को। और ऐसा ही होता है टेप बॉल के इंटरनेशनल मुकाबलों में या लोकल लेवल पर भी, टेप बॉल लीग या टेप बॉल का कोई मैच होता है तो आवाम की इतनी तादाद नीचे आती है। वेल डन